दोस्तों, हमारे बहुत सारे भाई बंधु अक्सर पूछते रहते हैं कौन सी पाइप में कितना वेट होता है, कौन सी पाइप कौन से माल मटेरियल में यूज करते हैं हम फैब्रिकेटर लोग, और शेड में कौन सी पाइप लगती है, गेट में कौन सी पाइप लगती है, कौन सी पाइप कितने कितने वजन में आती है, एक पाइप में पर रनिंग फिट में कितना वजन होता है, 20 फिट लेंथ में कितना वजन होता है। तो टोटल डिटेल से बात करने वाला हूं दोस्तों। मेरा नाम है मौली सिंह, आप देख रहे हैं SS फाइबर ग्लास एंड फैब्रिकेशन वर्क्स। आज हम पहुंचे हैं जिंदल आयरन स्टोर सिरसा रोड एलनाबाद पे। तो यहाँ पे बहुत सारी पाइप यहाँ आप देख रहे हैं पड़ी हुई है, तो ये पाइप की पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको आधा इंच पाइप दिखा रहा हूँ, मतलब कि 12 mm की पाइप। ये है सर्किल पाइप 12 mm की, जो कि गेट, ग्रिल और छोटी मोटी डिजाइन वाली चीजों में, बेड, कुर्सियों में यूज करी जाती है। ये 1.25 इंची पाइप है, इसमें 20 फिट लेंथ में 3, 4, 5 और 6 किलो तक वजन आता है। 20 किलो लेंथ है, इसको आप डिवाइड कर लें 20 में तो आपका रनिंग फिट का वेट निकल जाएगा। इसके बाद सेम साइज स्क्वायर में है दोस्तों, चौरस पाइप है आधा इंच की, इसमें भी 3, 4, 5, 6 किलो वजन आता है। इससे ज्यादा यदि वजन आपको चाहिए तो आपको ऑर्डर करना पड़ता है। अब सेकंड नंबर पे दोस्तों हमारे पास है 20 mm की 1.25 इंची पाइप। ये गोल सर्किल पाइप है, जिसमें 3, 4, 5, 6, 8 और 10 किलो वजन आता है। ये पाइप की हम गंधक पोटाश गन बनाते हैं, आपने हमारी वीडियो देखी होगी। इसके अलावा यह पाइप हुड सीटों में लगती है, ट्रैक्टर की छतरियां बनती हैं इसकी, और डिजाइनिंग के काम के लिए कुर्सियां, टेबल, फर्नीचर में लोहे का जो फर्नीचर बनता है उसमें भी यूज करी जाती है। इसके बाद है दोस्तों 20 mm की 1.25 इंच की स्क्वायर पाइप, चौरस पाइप, इसमें 3, 4, 5, 6, 8, 10 किलो वेट आता है 1.25 इंची पाइप में। यह पाइप गेट, ग्रिल, रेलिंग और डिजाइनिंग के कामों में यूज करी जाती है। इसमें 20 फीट लेंथ में 3 किलो से लेके 10 किलो तक वेट आता है दोनों पाइप में। इसका यदि आप रनिंग फिट का प्राइस जानना चाहते हैं तो आप वेट को 20 फीट से डिवाइड कर दें तो आपका रनिंग फिट का वेट आ जाएगा। दोस्तों, अब तीसरे नंबर पे हमारे पास आई है 1 इंची सर्किल पाइप, 1 इंची 25 mm 25 mm की सर्किल पाइप, जिसके अंदर 3, 4, 5, 6, 8, 10 किलो तक वेट आता है। इसमें आप अपनी डिमांड के हिसाब से मार्केट से खरीद सकते हैं। इसके अलावा स्क्वायर पाइप जो है सबसे ज्यादा फैब्रिकेशन के काम में यूज होने वाली, लोहे के गेट, ग्रिल, रेलिंग, ये सब में ये पाइपें दोनों यूज होती है। स्क्वायर और राउंड वाली दोनों ही पाइपें यूज होती है। इन पाइपों का वजन 3, 4, 5, 6, 8, 10 किलो है। और इसके अलावा आपको बताना चाहूंगा, ये जो मैं वजन बता रहा हूँ ये 20 फीट लेंथ का है, ये जो 1 इंची स्क्वायर पाइप है इसमें 3 किलो और 4 किलो वाली पाइप जो फ्लेक्स बोर्ड दुकानों के बाहर लगते हैं उनमें यूज करी जाती है। अब दोस्तों हमारे पास है 1.25 इंची पाइप 32 mm की, 6 किलो, 8 किलो, 10 किलो, 12 किलो और 20 किलो तक ये पाइप आती है। ये जो मैं वजन बता रहा हूँ ये 20 फीट लेंथ का है। आप रनिंग फिट का वेट जानना चाहते हैं तो 20 के साथ आप इसको डिवाइड कर दें, आपका एग्जैक्ट वेट रनिंग फिट का आ जाएगा। और यह पाइप चारपाई में गेट, ग्रिल, रेलिंग, ये सब में यूज होती है। इसके अलावा यहाँ पे 1.25 इंची और भी पाइप है, यह भी गेट, ग्रिल, रेलिंग में यूज होती है। इसमें भी वही सेम प्रोसीजर है, 6, 8, 10, 12 और 20 किलो तक पाइप आती है। हालांकि 20 किलो वाली पाइप 1.25 इंची में ज़्यादा मार्केट में अवेलेबल नहीं होती और ना ही गेट, ग्रिल वाले इसे यूज करते हैं। दोस्तों अब इसके बाद है हमारे पास 1.5 इंची पाइप, 1.5 इंची सर्किल पाइप, जो कि लोहे के गेट, सीढ़ी की रेलिंग बनाने में यूज होती है। और इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा फैब्रिकेशन वाले, हमारे जैसे लोहे का काम करने वाले, गेट ग्रिल का काम करने वाले लोग यूज करते हैं 1.5 इंची स्क्वायर पाइप 40 mm की। यह गेट, ग्रिल, रेलिंग, ग्रिल में सबसे ज़्यादा यूज करी जाने वाली पाइप है। इसमें 8, 10, 12, 14, 18 किलो और 20 किलो तक वजन आते हैं, जो कि आप अपनी जरूरत के हिसाब से मार्केट से खरीद सकते हैं। ये दोस्तों 1.5 इंची सर्किल पाइप है, जो कि सबसे ज्यादा ट्रैक्टर के ऊपर लगने वाली छतरी में यूज करी जाती है। उसके बाद सेकंड नंबर पे इस पाइप की चारपाइयां बनती है, जो कि सबसे ज्यादा हमारे यहाँ पे यूज होती हैं। दोस्तों अब है हमारे पास 2 इंची सर्किल पाइप, जो कि सबसे ज्यादा
सीमेंट रूफिंग शीट का जो शेड बनता है उसमें यूज करी जाती है, और इसके अलावा यहाँ पे स्क्वायर पाइप भी है 2 इंच की, 50 mm × 50 mm, 50 × 50 mm की पाइप है। यह सबसे ज्यादा यूज होती है हमारे प्रोफाइल शीटों के, ये वाली पाइप हमारे प्रोफाइल शीट के, मेटल शीट, मेट्रो शीट, टिन पत्रा जिसे आप बोलते हैं, उसके शेड बनाने में सबसे ज्यादा यह पाइप यूज होती है, स्क्वायर पाइप 50 mm की। इसमें 14, 18, 20, 27 और 32 किलो तक वजन आता है, आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ले सकते हैं। और ये जो सर्कल पाइप है इसमें 18, 20, 24, 27 और 32 किलो तक इसमें भी वेट आता है, आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से यह भी ले सकते हैं। बहुत बड़े बड़े जो शेड बनते हैं उसमें 28 किलो और 32 किलो की ये पाइपें यूज होती हैं। जो प्रोफाइल शीट के शेड है उसके अंदर ये वाली पाइप 20 किलो की 24 किलो की सबसे ज्यादा यूज होती है। इसके बाद है हमारे पास 62 mm की पाइप है 2.5 इंची, इसमें 25, 30 और 40 किलो तक वेट आता है। ऐसे ही 2.5 इंची हमारे पास स्क्वायर पाइप है 62 mm की, 2.5 by 2.5 की, इसमें भी 25, 30 और 40 किलो तक वेट आता है। ये जो पाइप है ये रूफ शेड में यूज होती है, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियल शेड होते हैं उनकी कैंचियां और उनके पर्नल में ये सब पाइपें यूज होती है। इसके बाद है दोस्तों 3 इंची 75 mm की सर्किल पाइप, जो कि बड़े बड़े इंडस्ट्रियल शेड में यूज होती है, और यहाँ पे 75 mm की स्क्वायर पाइप, 75 mm की स्क्वायर पाइप, इसके अंदर स्क्वायर पाइप और सर्किल पाइप दोनों में 24 किलो, 30 किलो, 45 किलो और 60 किलो तक वजन आते हैं, आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ले सकते हैं। बड़े इंडस्ट्रियल शेड में यह पाइप यूज होती है, ये स्क्वायर और ये वाली सर्किल पाइप। हालांकि हम भी जो छोटे शेड भी बनाते हैं 40 by 50 का, 20 by 50 का, ऐसे शेड में पोल के लिए हम भी यह पाइप यूज करते हैं। कस्टमर की डिमांड के मुताबिक होता है, किसी को सर्किल पसंद है, किसी को स्क्वायर पसंद है, वो अपने हिसाब से लगवा लेते हैं। दोस्तों मैंने पाइप के बारे में तो आपको बताया, इसी के साथ साथ मैं बताना चाहता हूं यहां पे प्रोफाइल शीट भी अवेलेबल है। आप देख सकते हैं प्रोफाइल शीट का यदि प्राइस और साइज वगैरह आप जानना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन में इसका हमने अलग से वीडियो बनाया, वो वीडियो आप जाके देख सकते हैं। दोस्तों अब तक मैंने आपको दिखाई सर्किल पाइप, स्क्वायर पाइप, इसके अलावा भी बहुत सारी इस तरह की चपटी पाइप भी आती हैं जो कि मेटल फैब्रिकेशन में यूज होती हैं। तो अब मैं आपको इस तरह की आयताकार चपटी पाइप जो आ रही है 2 by 1 की, 1 by 2.5 की, इस तरह के जो साइज हैं 1.5-3 के जो साइज हैं उनके बारे में जानकारी दूंगा। ये 1 inch by 1/2 inch की पाइप है, 12 × 25 mm की पाइप है, इसके अंदर 4 किलो और 6 किलो वेट आता है, जो कि ग्रिल, गेट और रेलिंग में और कुर्सियों में, टेबल में, फर्नीचर जो लोहे का बनता है उसमें यूज करी जाती है, और इसी साइज की स्टील की पाइप बहुत ज़्यादा यूज होती है। इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास है 1.5 inch by 1 inch की 25 × 40 mm इसका साइज है, इसमें वेट आते हैं 6 किलो, 8 किलो, 10 किलो, और यह पाइप गेट, ग्रिल और जो हम फाइबर शीट के जो शेड बनाते हैं उनके अंदर सबसे ज़्यादा यूज होती है। ये जो पाइप मैं आपको दिखा रहा हूँ ये काम धेनु कंपनी की पाइप है, ये पाइप नॉर्मल पाइप के मुकाबले बहुत ज़्यादा फिनिशिंग वाली है और रेट बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। नॉर्मल जो पाइप है वो 62-63 रुपये किलो है, 62-63 रुपीज़ के जी है अभी का जो रेट है, और ये जो काम धेनु की पाइप है ये 67-68 रुपीज़ के जी आपको मार्केट में मिल जाती है, यह आपको नॉर्मल रेट में मिल जाती है। नॉर्मल पाइप से 5 रुपये के जी एक्स्ट्रा खर्च करने पड़ेंगे। ये पाइप में काफी फिनिशिंग है, मैं आपको आगे दिखाऊंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 by 1 की पाइप है, 25 × 50 की पाइप है, इसमें वेट आता है दोस्तों 6 किलो, 8 किलो, 10 किलो, 12 किलो और 20 किलो। ये मैं 20 फिट लेंथ का वेट बता रहा हूँ, इसमें 20 किलो तक वेट आता है, गेट, ग्रिल, रेलिंग और फाइबर के शेड और मेटल शीट के छोटे मोटे शेड, उनमें यह पाइप सबसे ज़्यादा यूज करी जाती है 2 inch by 1 inch, 50 mm × 25 mm। तो अब है हमारे पास 2.5 की पाइप, 25 × 62 mm की यह पाइप है, 25 × 62 mm, इसमें 12 किलो और 14 किलो और इसके अलावा 20 किलो भी वेट आता है, हालांकि वो मार्केट में अवेलेबल नहीं है, आपको ऑर्डर पे मंगाना पड़ता है। यह पाइप फैब्रिकेशन वाले गेट, ग्रिल और रेलिंग में यूज करते हैं। दोस्तों अब है हमारे पास 1.5-3 की पाइप, जो कि हमारे शेड वर्क में सबसे ज़्यादा यूज होने वाली पाइप है, और इस पाइप में कम वेट होते हुए भी
इसकी जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि ये आयताकार पाइप है। इसमें सबसे ज़्यादा यूज होने वाला वेट है वो 20 किलो है। यह मेटल गेट और सबसे ज़्यादा प्रोफाइल शीट के शेड में यूज होने वाली पाइप है। और इसके बाद दोस्तों हमारे पास है दो चार की पाइप जो कि बड़े इंडस्ट्रियल शेड में यूज होती है। यदि आपको 20 फिट या 18 फिट तक कैंची नहीं लगानी है तो आप यह पाइप 2x4 की शेड में यूज कर सकते हैं। इसमें जो वेट है 24 किलो और 30 किलो आता है। इस पाइप के बड़े जो नॉर्मल गेट होते हैं घरों के आजकल वो भी बन रहे हैं। बहुत सारे कारीगर 2x4 की पाइप भी गेट में यूज कर रहे हैं। तो दोस्तों पाइप के साइज तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं सारा ज्ञान यदि एक ही वीडियो में समेटने की कोशिश करूंगा तो वीडियो 2 घंटे लंबी हो जाएगी। तो आज का पाइप से रिलेटेड इतना ही ज्ञान था। यह वीडियो बनाने में हम सक्षम हुए हैं जिंदल आयरन स्टोर एलनाबाद की सहायता से, इनकी सहायता और ये जो कारीगर बैठे हैं इनकी सहायता से हम ये वीडियो बनाने में सक्षम हुए हैं। इन बंदों को हमने खाली बैठा दिया, ये सब काम कर रहे थे, हमारा आने की वजह से ये सब हमारी सहायता करने में जुट गए। तो आशा करता हूँ आज का यह ज्ञान आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी कोई क्वायरी है तो आप इंस्टाग्राम पे, हम एवरी संडे लाइव आते हैं, यूट्यूब पे रात को 9 बजे मैं लाइव आता हूँ। आपका कोई सवाल है, कोई सुझाव है तो आप मेरे साथ आके साझा कर सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे का बटन जरूर दबाएं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।